हेलो फ्रेंड्स, एम स्कूटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे इस साल के अंदर, जो बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है इंटरव्यू के अंदर, कि हम किसी भी क्लास को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि उसका कोई भी ऑब्जेक्ट ना बना सके। तो इसके लिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर दो स्क्रीन शॉट दिखाई दे रहे हैं। पहली स्क्रीन में हमने क्या किया है, जो पहले वाला स्क्रीन शॉट है, इसमें हमने तीन क्लास बनाई है। पहले क्लास का नाम है ग्रैंडफादर, दूसरी क्लास का नाम है फादर और तीसरी क्लास का नाम है सन। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। पहली क्लास को हमने स्टैटिक बनाया है, दूसरी क्लास को प्राइवेट बनाया है और तीसरी क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। अब यहाँ पर आप दूसरी साइड देखिए कि एक और क्लास बनाया है हमने टेस्ट नाम का, और इस क्लास के अंदर जब हम इन तीनों का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपाइल टाइम एरर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर आप देखिए ये जो ग्रैंडफादर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पर भी आपको कंपाइल टाइम एरर दिखाई दे रहा है, और जब हम फादर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको कंपाइल टाइम एरर दिखाई दे रहा है। इसी तरह जब हम सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसके लिए भी हमें यही एरर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं कि कोई भी इस क्लास को ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर सके। तो इस तरह से हम तीन तरीके यूज करते हैं, स्टैटिक बनाकर, प्राइवेट बनाकर या फिर एब्स्ट्रैक्ट बनाकर हम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने से रोक सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।